हेलो चिल्ड्रेन इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो हाउ वी कैन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन सी एस फाइल्स एंड डेटा फ्रेम आप सी एस फाइल एंड डेटा फ्रेम के बीच डेटा को कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो ओके सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज सी फाइल सीएसवी फाइल क्या होता है सी एस वी स्टैंड फॉर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल ओके दीज फाइल्स आर द टेक्स फाइल्स विद इंफॉर्मेशन सेपरेटेड बाय कोमा सेव्ड विद एक्सटेंशन डॉट सी एस पी तो सी एस पी फाइल कौन सी फाइल है टेक्स्ट फाइल है जिनके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और इंफॉर्मेशन स्टोर करते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि जितने भी वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से कोमा की हेल्प से सेपरेट हों ओके और फाइल के एक्सटेंशन जब आप फाइल को सेव करेंगे तो डॉट सी एस पी एक्सटेंशन से आप उसको सेव करेंगे ओके तो आपकी टेक्स्ट फाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगी सी एस पी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी राइट

वी कैन ऑल्सो क्रिएट अस पी फाइल बाई यूज एडिटर सच एस नोटपैड आप किसी टेक्स एडिटर पर भी सी एस पी फाइल को क्रिएट कर सकते हो लाइक नोटपैड पर भी आप क्रिएट कर सकते हो एंटर द डेटा यू वॉन्ट द फाइल टू कंटेन सेपरेटिंग ईच वैल्यू विदा आप टेक्सट एडिटर में क्या करना है आपको डेटा एंटर करना है और ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज आप एंटर कर रहे हो वो एक दूसरे से कोमा की हैप से सेपरेट हो ओके एन ईच रो विद अ न्यू लाइन राइट सेव द फाइल विद द एक्सटेंशन डॉट सी एस पी और जितनी भी रोज है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो फाइन और आपको क्या करना है अपना डेटा स्टोर करने के बाद उसको डॉट सी एस वी एक्सटेंशन से सेव से करना है राइट right? तो हेयर यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बताए हैं एमएस एक्सेल की हेल्प से आप सी एस पी फाइल क्रिएट कर सकते हो आप नोटपैड की हेल्प से सी एस पी फाइल क्रिएट कर सकते हो राइट अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ ओके okay. अब हमने क्या किया नोट पैड ओपन कर लिया है और इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर किया रोल नंबर देन देन नेम ओके एंड मार्क्स राइट अब देखो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस सेपरेट कर रही हूँ कोमा की हेल्प से मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ फाइन देन नेक्स्ट लाइन आप करोगे एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन वन कोमा रोहन mark 60 right then go to the next line 2 comma right 3 right okay अब मुझे क्या करना है मैंने यहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर लिया है ओके ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय कोमा हेयर देखो यहाँ पे जितनी वैल्यूज दी मैंने कोमा से सेपरेट किए हैं फाइन अब मैं क्या करूंगी इसको सेव कर दूंगी सेव एस फाइन ये अभी इसका डायलॉग बॉक्स आ गया राइट अब मैंने कोई भी नेम दे दिया इसको जैसे मैंने इसको दे दिया नेम ए बी डॉट सी एस वी ये ध्यान रखना है कि आपको सी एस वी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट सी uh, एस वी एक्सटेंशन जरूर देनी है डॉट सी एस वी ओके देखो आपकी ए बी फाइल आ गई है डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया तो ये कहाँ पे ओपन हुई है ये एमएस एक्सेल में ओपन हो गई है एक्सेल में ओपन हो गई है आप देखो आपने जो भी डेटा दिया था वो यहाँ पे प्रेजेंट है फाइन अब मैं इसको नोट पैड से ओपन करती हूँ एक्सेल की फाइल में कर, इसको कर, कर दिया ओपन विद नोट पैड कर देती हूँ राइट ओपन विध नोटपैड देखो ये हमारी फाइल है सीएसवी फाइल है सिंपल आप इसको आपने एक्सेल में ओपन अपने आप बाय डिफॉल्ट ही एक्सेल में ओपन हुई थी ठीक है और इसको नोटपैड में ओपन किया है राइट तो एक सीएसवी फाइल क्रिएट हो गई बाय यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर अब मैं आपको एक्सेल पे भी क्रिएट करके दिखा देती हूं राइट ये हमने लिया रोल नंबर फाइन यहां पे ले लिया नेम ओके सिंपल ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ ठीक है रोहन ओके okay, तो आ, पहले आपने क्या देखा टेक्स एडिटर से कैसे बनाते हैं अब हम देख रहे हैं कि आप एम एस की फाइल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो सीएसवी फॉर्मेट में ठीक है राइट right? अब सिंपली इसको सेव करना है सेव एस इसको नेम दे देते हम ए बी सी डॉट सी एस राइट और सेव एस टाइप के अंदर भी आप दे दो कोमा सेपरेटेड यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये रहा कोमा सी uh, एसवी कोमा डिलिमिटेड राइट right? ये हमने इसका फॉर्मेट भी चेंज कर दिया सेव सेव कर दिया ओके तो इसको मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था नाउ यू कैन ओपन इट आपकी एबीसी डॉट सी एस वी फाइल थी राइट ओके ये सिंपल हमारी एक्सेल पे आ गई है अब देखो अगर हम इसको पे ओपन करते हैं ओपन तो देखो वैल्यूज अपने आप आ गई है सेपरेट ओके कोमर से, 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 से ठीक है तो ये क्या है आपने टैक्स एडिटर से देख लिया कैसे आप क्रिएट कर सकते हो सी फाइल और आपने एम एस एक्सएल से देख लिया ओके अभी हमने देखा कि सी फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं राइट अब आप क्या देखेंगे ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम सी एस फाइल टू डेटा फ्रेम सी एस वी फाइल से डेटा फ्रेम में डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है राइट right? ओके okay. तो उसके लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग की है इंपोर्ट पांडास एस पी डी पांडास क्या है पांडास लाइब्रेरी है उसको हमने एस पी डी मीन्स उसको उसका एक अल्टरनेट नेम लिया है पी डी फाइन इसको इंपोर्ट कराया प्रोग्राम में क्योंकि इसके फंक्शंस की क्या चाहिए हमें जरूरत है फाइन तो हमने सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया ओके okay. अब हम क्या करना है आपको एक डेटा फ्रेम में डेटा लेना है कहाँ से लेना है सी एस पी फाइल से लेना है फाइन समझ आया हम कहाँ से डेटा ट्रांसफर करें सी एस बी फाइल से डेटा ट्रांसफर करें डेटा फ्रेम के अंदर तो यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम है डी एफ ओके इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV तो रीड अंडर स्कोर सी एस क्या है फंक्शन है किसका फंक्शन है पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है फाइन तो इसका क्या जो रीड अंडरस्कोर सी एस फंक्शन है वो क्या करेगा वो सी एस फाइल से डेटा ट्रांसफर करेगा डेटा फ्रेम के अंदर तो इस फंक्शन के अंदर हमने पास क्या किया है इस फंक्शन के अंदर हमने पास किया लोकेशन ऑफ द सी एस वी फाइल ठीक है और यू कैन से पाथ ऑफ द सी एस वी फाइल जिस फाइल से हमें डेटा ट्रांसफर कराना है उसका हमने क्या दे दिया पाथ दे दिया रीड अंडरस्कोर को सी एस वी फंक्शन के अंदर ओके पांडास लाइब्रेरी के रीड अंडर्स को सी एस वी फंक्शन के अंदर फाइन तो यहाँ पे देखो ये हमारी फाइल है आइटम्स डॉट सी एस वी ओके okay, तो इसका डेटा कहाँ रीड हो जाएगा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा रीड वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो तो ट्रांसफर हो जाएगा डेटा फ्रेम डी के अंदर फाइन ओके पांडास लाइब्रेरी का रीड अंडर स्कोर सी एस वी फंक्शन डेटा रीड करेगा आइटम डॉट सी एस वी फाइल से और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देगा डेटा फ्रेम के अंदर अब आपने क्या किया डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया डी आपका डेटा फ्रेम है तो ये जो आइटम्स डॉट सी के अंदर डेटा था वो सारा कहाँ आ गया डेटा फ्रेम के अंदर आ गया ओके okay? तो यहाँ पे पहले जब आप इसको करोगे तो पहले आप एक सी फाइल क्रिएट करोगे किसी भी नेम से ओके देन यू विल ट्रांसफर द डेटा ऐसे नहीं कि आपने सिंपली लिख दिया आपको पहले एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जैसे मैंने यहाँ पे आइटम डॉट सी फाइल पहले क्रिएट की ओके okay? फिर डेटा ट्रांसफर किया डी के अंदर मैं आपको ये फाइल दिखा देती हूँ सी ये मेरी फाइल है आइटम डॉट सी एस आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा है इसका पूरा ओके तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द फाइल पहले आप सी एस फाइल क्रिएट करोगे फिर उसका डेटा ट्रांसफर करोगे तो हमारे पास ये फाइल बनी हुई है आइटम डॉट सी एस ओके रीड अंडर स्को सी एस वी इज द पांडास मैथड टू रीड डेटा फ्रॉम अ सी एस वी फाइल इन टू अ डेटा फ्रेम तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि रीड अंडर स्को सी एस वी पांडास का फंक्शन है पांडास लाइब्रेरी का मैथड है फंक्शन और मैथड दोनों सेम uh, वर्ड होते हैं ओके दे आर ऑल्टरनेट टू ईच अदर राइट तो ये क्या है फंक्शन है पांडास लाइब्रेरी का जो क्या करता है सी एस वी फाइल से डेटा को रीड करके कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है डेटा फ्रेम के अंदर ट्रांसफर कर देता है फाइन और यू कैन से कॉपी कर देता है सी फाइल से पढ़ेगा वो डेटा और उसको जाके कॉपी कर देगा डेटा फ्रेम के अंदर फाइन हियर वी कैन सी डेट द फर्स्ट रो फ्रॉम द सी एस बी फाइल हैज़ बिकम द कॉलम नेम्स फॉर द डेटा फ्रेम डी तो जो सी एस वी फाइल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम होता है ओके okay, वो क्या बन जाता है वो डेटा फ्रेम में कॉलम नेम बन जाता है जैसे ये हमारी सी एस बी फाइल थी ओके okay? नो देखो सी एस बी फाइल में जो दिया हुआ है आइटम नंबर आइटम नेम प्राइस क्वान्टिटी राइट right? ये जो uh, uh, दे रखी है ये क्या बन जाएंगे डेटा फ्रेम में कॉलम हेडिंग्स बन गई ठीक है ओके वी कैन सी दैट द फर्स्ट रो फ्रॉम द सी एसवी फाइल हैज बिकम द कॉलम नेम फॉर डेटा डी एफ तो ये क्या कह रहा है कि जो सी एस बी फाइल की फर्स्ट रो थी वो डेटा फ्रेम कॉलम नेम बन गई है राइट right? अब यहाँ पे हमारे पास नोट है वाइल गिविंग फाइल पाथ अब ये ध्यान रखना है कि जब आप फाइल पाथ दे रहे हो समटाइम्स एरर इज रिपोर्ट रिपोर्टेड विद द पाथ इवन दो यू हैव गिवन द राइट पाथ तो क्या होता है बहुत बार जब आप पाथ देते हो तो बहुत बार एरर आती है जबकि आप सही पाथ देते हो फिर भी क्यों फॉर डैट यू मे गिव फाइल पाथ विद डबल स्लैशेस डैट इज इन प्लेस ऑफ सिंगल स्लैश डू आर यूजिंग इन द पार्ट राइट डबल स्लैश ओके तो यहाँ पे मेरे साथ भी ये हुआ था जब मैंने सिंगल स्लैश यूज किया था तो एरर आ रहा था ओके okay, तो आपका अगर एरर आता है जब आप फाइल पा देते हो तो आपको क्या करना है सिंगल स्लैश की बजाय आपको डबल स्लैश यूज करना है जो इसका रियल पार्ट uh, था वो ये था ठीक है तो इसमें क्या किया है चेंज किया गया है सिंगल स्लैश जहां जहां सिंगल स्लैश है वहां पे डबल स्लैश दिए गए हैं फाइन ओके तो इफ एरर कम्स यू हैव टू रिप्लेस सिंगल स्लैश डबल स्लैश फाइन तो यहाँ पे हमने क्या किया है ट्रांसफर किया है डेटा सी फाइल से डेटा फ्रेम में ओके नाउ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम

सीएसवी फंक्शन देती है जिसकी हेल्प से आप डेटा को सेव कर सकते हैं फ्रॉम डेटा फ्रेम टू सी एस वी फाइल मतलब का आप CSV में सेव कर सकते हो फाइन ओके फंक्शन टू अंडर स्कोर सीएसवी कैन बी यूज एज पर द फॉलोइंग दिन तो आप दो तरीके से इसको यूज कर सकते हो ओके डी एफ क्या है डेटा फ्रेम का नेम डॉट टू अंडर स्कोर सी एस वी और फाइल पाथ तो यहाँ पे इस डेटा फ्रेम का डेटा कॉपी हो जाएगा जो भी आप दे रहे हो सी एस फाइल वहाँ पर फाइन तो डी एफ डी एफ टू सी एस राइट आप यहाँ पे क्या हो रहा है डेटा फ्रेम का डेटा कहाँ जा रहा है सी एस फाइल में फाइन और एक दूसरा सिंटेक्स क्या है डी एफ डी एफ डॉट मतलब डेटा फ्रेम का नेम डॉट टू सी एस बी फाइल पाथ एंड सेपरेटर यहाँ पे आपने क्या किया है सेपरेटर भी डिफाइन किया है कि आप कोई और सेपरेटर देना चाहते हो कोमा के अलावा तो आप वो भी दे सकते हो राइट तो यहाँ पे आपने सेपरेटर करेक्टर एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है फाइन ओके तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम इंपोर्ट इम्पोर्ट पांडा जैस पी डी ये मैंने स्क्रीन शॉट लिए हुए हैं जुपिटर नोटबुक के राइट आप इस इसको एज इट इज़ कॉपी करके वहाँ पे रन करा सकते हो फाइन इंपोर्ट पांडा जैस पी डी हम फर्स्ट आपको क्या करना है पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है उसके फंक्शन को यूज़ करने के लिए ओके अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं और डेटा फ्रेम किसकी हेल्प से क्रिएट करें डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट करें तो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे डिक्शनरी बनाएंगे ओके डिक्शनरी के अंदर हमने क्या लिया है की वैल्यू पेयर तो की आपकी रोल नंबर है उसकी वैल्यूज हैं तो लिस्ट की फॉर्म में वैल्यूज है, okay, है और उसकी वैल्यूज uh, कैसे लिस्ट की फॉर्म में है सर नेम uh, आपकी डिक्शनरी तो क्रिएट हो चुकी है राइट right? ओके okay, ये आपने पहले भी किया है कि हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी राइट अब आपने क्या किया पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर डिक्शनरी को पास कर दिया ओके okay? तो डेटा फ्रेम क्या करेगा इस डिक्शनरी को कन्वर्ट कर देगा डेटा फ्रेम में और वो कहा जाके स्टोर होगा डीएफ वेरिएबल के अंदर तो डीएफ एक डेटा फ्रेम बन चुका है किस किसकी हेल्प से डिक्शनरी की हेल्प से मतलब ओके अब आपने क्या किया प्रिंट करा दिया डीएफ को फाइन तो ये यहाँ पे देखो हमने सिंपली प्रिंट करा दिया ये हमारा प्रिंट करके डी एफ आ गया है ओके तो यहाँ पे देखो जो कीज थी वो क्या बन गई है कॉलम नेम बन गई है डेटा फ्रेम की ओके और जो वैल्यूज थी वो कॉलम वैल्यूज बन गई है फाइन अब आपने क्या किया हमारे पास डेटा फ्रेम आ गया है उसका डेटा आ गया अब हमें क्या करना है इस डेटा फ्रेम के डेटा को एक सी एस वी फाइल के अंदर ट्रांसफर करना है राइट right? तो आपने अब किसका यूज करना है डी एफ डॉट टू सी एस वी फंक्शन का यूज करना है और इसके अंदर आपने फाइल नेम दे दिया तो सिंपली मैंने क्या दे दिया डी ड्राइव के अंदर न्यू डॉट सी एस वी फाइल के अंदर ये डेटा सेव हो जाए डेटा फ्रेम का ओके okay? अब देखो अगर न्यू डॉट सी एस वी फाइल एम टी अगर एम टी न्यू डॉट सी एस वी फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसमें जाके डेटा स्टोर हो जाएगा और अगर प्रेजेंट नहीं है तो एक फ़ाइल बन जाएगी न्यू डॉट सी एस वी के नाम से फाइन ओके फर्स्ट कंडीशन क्या है अगर एम टी न्यू डॉट सी एस वी के नेम से फ़ाइल है तो ये डेटा वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा ट्रांसफ़र हो जाएगा ओके सेकंड कंडीशन क्या है अगर ऐसी कोई फाइल नहीं है तो ऐसी एक फाइल बन जाएगी न्यू डॉट सी एस वी के नेम से और उसके अंदर ये डेटा होगा फाइन ऑलरेडी उसके अंदर ये डेटा होगा थर्ड सिचुएशन क्या है अगर न्यू डॉट सी एस बी फाइल है पर उसके अंदर ऑलरेडी डेटा है कुछ और डेटा है तो क्या होगा इसका डेटा न्यू डॉट सी एस वी का डेटा ओवर रिटर्न हो जाएगा ओवर रिटर्न मतलब पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा और जो डेटा अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा फ्रेम से वो डेटा आ जाएगा समझ आया मैंने तीनों कंडीशंस आपको बता दी कि अगर नहीं है अगर एम फाइल है तो उसमें डेटा जाके स्टोर हो जाएगा और अगर है नहीं तो न्यू डॉट सी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी और अगर ऑलरेडी है और उसके अंदर दूसरा डेटा है तो ओल्ड डेटा क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा डिलीट हो जाएगा और न्यू डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा फाइन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डी ड्राइव में जब मैंने ये क्वेश्चन किया था तो न्यू डॉट सी फाइल क्रिएट हुई थी ओके okay? ये देखो आपकी न्यू डॉट सी एस फाइल है इसको ओपन करते हैं देखो ये हमारा डेटा इसमें आ गया है राइट अपने आप क्रिएट होगी न्यू डॉट सी एस फाइल और इसके अंदर डेटा भी स्टोर हो गया नो यू कैन सी ये हमारी डी ड्राइव है डी ड्राइव में आपकी न्यू डॉट सी एस फाइल है इस पर आप जब आप क्लिक करोगे ओके यू विल गेट द डेटा ये देखो आपका न्यू डॉट सी का डेटा यहाँ पे आ चुका है फाइन ओके तो यहाँ पे देखो टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम टू सी एस वी फाइल फर्स्ट वी विल क्रिएट अ डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम से सी एस वी फाइल में डेटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हमने डेटा फ्रेम को बनाया ओके देन विल यूज डेटा फ्रेम डॉट टू अंडर स्को सी एस वी मेथड टू सेंड कंटेंट ऑफ अ डेटा फ्रेम टू सी एस वी फाइल तो यहाँ पे डेटा फ्रेम डॉट फंक्शन ने क्या किया डेटा फ्रेम के डेटा को सेंड कर दिया सीएसवी फाइल में ओके okay? ट्रांसफर कर दिया ओके डीएफ डॉट टू अंडर स्कोर सी ओके यहाँ पे न्यू डॉट सीएसवी दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट सी एसवी फाइल विद द नेम न्यू डॉट सी एस फ्रेम जी मैंने आपको दिखा दिया है कि डी ड्राइव में ऑलरेडी क्या होता है जैसे ही हमने ये कमांड लिखी तो डी ड्राइव में न्यू डॉट सी एस वी फाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर डेटा ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका था डेटा डेटा फ्रेम का फाइन यहाँ पे ये आपको स्क्रीन शॉट भी दे दिए गए ठीक है और अगर इस फाइल को हम नोटपैड uh, में ओपन करते हैं तो ये इस, इस तरीके से दिखेगी फाइन Here we can see as no separator has been mentioned in the program, it will take default separator comma to separate data in the CSV file. Okay, humne kya kiya tha simple df dot two underscore CSV function ka use किया था तो और इसके अंदर सिर्फ uh, define किया किया था आपने कि D drive के अंदर new dot CSV create हो जाए fine आपने separator नहीं दिया था तो उसने क्या किया uh, default separator का use किया है comma का use किया है fine विदाउट एनी वार्निंग समझा चुकी हूँ अगर ऑलरेडी डी ड्राइव में न्यू डॉट सीएसवी कोई फाइल होती तो क्या होता उसका पुराना डाटा डिलीट हो जाता ओवरराइट हो जाता मतलब न्यू डेटा डेटा फ्रेम का ये वाला जो न्यू डेटा था वो उसमें स्टोर हो जाता फाइन ओके अस सेव द सेम डेटा फ्रेम्स डेटा इन अनदर फाइल नेमली न्यू वन डॉट सी एस वी बट विद द सेपरेटर करेक्टर पाइप तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि एक दूसरी फाइल बनाएं जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर हो डेटा फ्रेम का राइट right? ओके okay? लेकिन वहाँ पे सेपरेटर जो करेक्टर हो वो कोमा ना हो पाइप हो फाइन तो सिंपली हमने क्या किया डेटा फ्रेम क्रिएट किया इंपोर्ट पांडास एस पी ओके पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया फिर डिक्शनरी को आपने क्रिएट किया सेम हमने सेम डेटा लिया है ठीक है फिर आपने क्या किया डेटा uh, फ्रेम uh, बना uh, को बनाया डिक्शनरी से ठीक है बाय यूजिंग द डेटा फ्रेम फंक्शंस ऑफ पांडास लाइब्रेरी राइट ओके और डेटा फ्रेम को आपने डिस्प्ले करा दिया ये आपका डेटा फ्रेम है फाइन अब इस डेटा फ्रेम को हम क्या कर रहे हैं एक सी फाइल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके लिए आपने क्या किया DF डॉट टू अंडरस को फंक्शन का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो राइट right? डेटा फ्रेम के टू अंडरस को फंक्शन का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपने क्या किया है डी ड्राइव के अंदर आपने एक फाइल नेम दे दिया न्यू वन डॉट सी और सेपरेटर दे दिया पाइप ठीक है यहाँ पे हमने एक और आर्ग्यूमेंट दी है एक और पैरामीटर दिया है सेपरेटर ओके और उसको स्पेसिफाई कर दिया पाइप अगर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो कोमा एज अ सेपरेटर लेता फाइन तो यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीनशॉट शॉट लिया न्यू वन फाइल का देखो ये जो अगर नोट पैड में ओपन करते हो तो क्या जो वैल्यूज है विद द हेल्प ऑफ पाइप दे आर सेपरेटेड राइट right? आप देखो ये आपकी नोट पैड का स्क्रीन शॉट है वैल्यूज़ किससे सेपरेट है आपके पाइप जो सेपरेटर है पाइप से सेपरेट है और ऐसे ही आपकी एक्सेल में ओके मैं आपको ड्राइव में भी शो कर देती हूँ ये यहाँ पे देखो आपका न्यू वन फाइल है इसको मैं क्लिक करती हूँ ये आपकी न्यू वन आ गई देखो अगर इसको थोड़ा सा आप ब्रॉड करोगे तो देखो जितनी आपकी वैल्यूज हैं वो किसकी हेल्प से सेपरेट है पाइप की हेल्प से सेपरेट है फाइन ओके okay. मैंने इसको थोड़ा बिक करके वहां पे स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है राइट right. अगर मैं इसी फाइल को करती हूँ ओपन विद नोट ओके देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई है इन्फॉर्मेशन जितनी भी वैल्यूज दी है वो पाइप की हेल्प से सेपरेट की गई है फाइन तो पहले आपने डेटा फ्रेम क्रिएट किया और डेटा फ्रेम का डेटा आपने ट्रांसफर कर दिया न्यू वन फाइल के अंदर CSV फाइल के ओके अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं कि आप कैसे CSV फाइल का डेटा रीड करोगे डेटा फ्रेम में मतलब कैसे ट्रांसफर करोगे CSV फाइल का डेटा डेटा फ्रेम में फाइन तो केस वन क्या है रीडिंग CSV फाइल विदाउट हेडर आप सी एस फाइल को रीड कर रहे हो ओके okay. लेकिन विदाउट हैडर हैडर इंफॉर्मेशन के बगैर राइट right? तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले आपने क्या किया इम्पोर्ट पांडास एस पी डी पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया ओके पांडास लाइब्रेरी के रीड अंडरस्कोर को सी एस वी फंक्शन को आप यूज कर रहे हो ओके okay, ये क्या करेगा ये रीड करेगा डेटा कहाँ से सी एस फाइल से रीड करेगा और कहाँ ट्रांसफर करेगा डेटा फ्रेम के अंदर ट्रांसफर करेगा ओके okay, तो हम अपनी आइटम डॉट सी एस फाइल से डेटा रीड करा रहे हैं फाइन ओके यहाँ पे आपने हेडर दे दिया नन फाइन हेडर नन ओके तो क्या होगा यहाँ पे आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट आपने क्या किया डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया फाइन सी एस डॉट सी एस पी का डेटा डी एफ वन के अंदर ट्रांसफर हो गया अब आपने इसको प्रिंट करा दिया लेकिन आपने एक पैरामीटर दिया था हेडर इक्वल्स टू नन राइट तो हैडर uh, में क्या होगा तो यहाँ पे देखो देयर इज नो कॉलम हेडिंग कॉलम की हेडिंग नहीं है ठीक है जो कॉलम्स है डेटा फ्रेम के अंदर उसकी हेडिंग नहीं है इंस्टेट दे हैव इंडेक्स वैल्यूज ओनली ठीक है यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स वैल्यूज है कॉलम की जैसे रो इंडेक्स है वैसे ही कॉलम इंडेक्स है कॉलम हेडिंग नहीं है क्योंकि हमने हेडर क्या दे दिया था नन फाइन तो यहाँ पे कॉलम्स की इंडेक्स uh, क्या है वैल्यूज हैं तो जो ये फर्स्ट है ना आई नंबर आई नेम ये क्या बन गई ये भी एक रिकॉर्ड बन गया ओके okay? ये अब uh, उसकी हेडिंग नहीं है कॉलम हेडिंग नहीं है ये रिकॉर्ड बन चुका है

सी एस बी फाइल की वो डेटा फ्रेम के कॉलम नेम्स नहीं बनेंगे वो सिंपली उसके रिकॉर्ड्स बन जाएंगे अदरवाइज क्या होता है जो फर्स्ट रो होती है सी एस बी फाइल की वो डेटा फ्रेम के कॉलम नेम बन जाते हैं फाइन पर यहाँ पे आपने क्या किया हैडर इक्वल्स टू दे दिया तो यहाँ पे अब हैडर नहीं आएगा जो उसकी फर्स्ट रो होगी वो उसकी क्या बन जाएगी उसका रिकॉर्ड बन जाएगी और जो इंडेक्स कॉलम नेम क्या हो जाएंगी कॉलम नेम की बजाय आ जाएगी इंडेक्स वैल्यूज़ फ़ाइन ओके okay, समझ आ गया सिंपली आपने क्या, क्या? किया रीड किया डेटा लेकिन आपने हेडर कर दिया नन तो क्या हुआ जो सीएसवी uh, की जो फर्स्ट रो थी जो हमेशा क्या बनती है फर्स्ट रो की वैल्यूज हमेशा कॉलम डेटा फ्रेम के कॉलम नेम्स बनती है वो नहीं बनेंगे ओके डेटा फ्रेम में इंडेक्स वैल्यूज आएंगी फाइन और जो फर्स्ट रो है वो उसका रिकॉर्ड बन जाएगी राइट right? ओके केस सेकंड अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं रीडिंग सीएसवी फाइल विदाउट इंडेक्स वेयर वी स्पेसिफाई एनी कॉलम एज द इंडेक्स अब हम क्या कर रहे हैं सीएसवी फाइल को रीड कर रहे हैं लेकिन इंडेक्स के बिना और हम क्या कर रहे हैं किसी भी कॉलम को क्या बना रहे हैं एज अ इंडेक्स बना रहे हैं फाइन जो सीएसवी फाइल का कोई भी कॉलम हम ले रहे हैं एज अ इंडेक्स अंडरस्टूड ओके इम्पोर्ट पांडास तो सबसे आप प्रोग्राम करोगे इम्पोर्ट पांडास एज पी डी आपने पांडास लाइब्रेरी को आ, क्या किया है इम्पोर्ट किया है अब पांडास के रीड अंडरस्कोर सीएसवी सी एस फंक्शन से आप डेटा रीड कर रहे हो सी एस फाइल का और उसे कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो डेटा फ्रेम के अंदर तो यहाँ पे हमने आइटम डॉट सी एस का पाथ दे दिया और इंडेक्स कॉल इक्वल्स टू जीरो दे दिया ओके okay, तो इंडेक्स कॉलम मतलब जो कॉलम इंडेक्स बनेगा उस uh, उसकी उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है जीरो ओके okay, तो जो आपका फर्स्ट कॉलम है देखो यहाँ पे सीएसबी फाइल का फर्स्ट कॉलम दिस इज द फर्स्ट कॉलम दिस इज द फर्स्ट कॉलम ठीक है आइटम नंबर टेन इलेवन ट्वेल्व ये क्या बन जाएगा ये इंडेक्स बन जाएगा समझ आया देखो रीडिंग सीएसपी फाइल विदाउट इंडेक्स डिफॉल्ट से नहीं पढ़ना वेयर वी कैन स्पेसिफाई एनी कॉलम एज द इंडेक्स दी एस पी फाइल के किसी कॉलम को इंडेक्स बना रहे हैं हम आई नंबर को भी बना सकते थे आई नेम को भी बना सकते थे अगर आप यहां पे one लिखते तो ये आई नेम बन जाता अगर टू लिखते तो प्राइस बन जाता इंडेक्स कॉलम और अगर थ्री uh, uh, लिखते तो आपका क्वांटिटी वाला कॉलम इंडेक्स बन जाता ठीक है तो यहाँ पे देखो ये आई नंबर तो बन गया इंडेक्स क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया था इंडेक्स कॉल इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू राइट आई नेम प्राइस क्वान्टिटी अंडरस्टूड तो यहाँ पे, उस, तो तो right? तो पे आपने क्या किया है सी एस बी फाइल के ही कॉलम को इंडेक्स बना दिया है डेटा फ्रेम का फर्स्ट जो फर्स्ट कॉलम था वो यहाँ पे इसका इंडेक्स बन गया है Fine. अब इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ठीक है सेम हमारा आपकी प्रोग्राम है ओके जहाँ पे हम आइटम डॉट सी एस से डेटा रीड कर रहे हैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे हमने इंडेक्स अंडर इंडेक्स कॉल दे दिया वन तो वन हमारा ये वाला कॉलम है फाइन तो ये क्या बन जाएगा डेटा फ्रेम का इंडेक्स ओके यू कैन सी हियर यहाँ पे ये वाला कॉलम क्या बन गया है डेटा डेटा फ्रेम का इंडेक्स ओके okay. एंड बाकी के यहाँ पे थ्री कॉलम्स हैं आइटम नंबर प्राइस एंड क्वांटिटी आई नेम क्या बन गया है इंडेक्स बन गया है डेटा फ्रेम का फाइन ओके okay. तो यहाँ पे आपने सिंपली आपका सेम प्रोग्रामिंग है आपने डेटा रीड किया आइटम डॉट सी एसवी से बट आपने सिंपल क्या दिया इंडेक्स कॉलम वन दे दिया और डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया फाइन नाउ वी हैव केस थ्री ओके रीडिंग सी एस पी फाइल विद न्यू कॉलम नेम अब हम क्या करें सी एस पी फाइल को रीड कर रहे हैं लेकिन उसके जो कॉलम नेम थे उसको हम, जो उसकी फर्स्ट वो थी राइट right? वो बनता था डेटा फ्रेम का कॉलम नेम तो हम कॉलम नेम डेटा फ्रेम के अंदर चेंज करके यूज करेंगे ठीक है तो यहां पे आप प्रोग्राम लिखोगे पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करोगे ओके okay, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया न्यू नेम्स और उसके अंदर मैंने क्या ले लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले लिए लाइक आइटम नंबर आइटम नेम आइटम प्राइस क्वान्टिटी न्यू नेम्स ले लिए राइट ओके नाउ अब आपको क्या करना है रीड करना है डेटा आइटम डॉट सी एस वी से तो आपने क्या किया है पांडा के रीड अंडरस्कोर सीएसवी सी एस वी फंक्शन के अंदर आपने आइटम डॉट सी एस वी का पाथ पास कर दिया राइट right? अब यहाँ पे हम दो पैरामीटर्स और पास करेंगे ये ध्यान रखना है स्किप रोज वन ये क्या कह रहे हैं स्किप रोज का क्या फंक्शन होता है हाउ मेनी रोज शुड बी स्किप्ड फ्रॉम द सी एस वी फाइल वाई रीडिंग द डेटा मतलब CSV फाइल की कितनी रोज आप छोड़ दोगे जब आप डेटा को ट्रांसफर करोगे डेटा को रीड करोगे राइट यहाँ पे वन लिखा है ओके तो यहाँ इसकी फर्स्ट रो को क्या कर देगा वो रीड नहीं करेगा फाइन ओके तो और आपने दूसरा पैरामीटर क्या पास किया नेम्स

फाइन समझ आया इसके अंदर आपने आइटम डॉट सी एस वी का पाँच पास किया एक पैरामीटर आपने पास किया स्किप रोस।, रोस मतलब जो आपकी सी एस वी फाइल है उसकी कितनी रोस को वो नहीं ट्रांसफर करेगा नहीं यूज करेगा आपने वन लिया तो टॉप से उसने वन रो को छोड़ दिया स्किप कर दिया और आपने एक और पैरामीटर लिया नेम्स जिसके अंदर आपने न्यू नेम वेरिएबल की वैल्यूज़ को ट्रांसफर करा दिया इनिशलाइज करा दिया राइट right? अब आपका पूरा डेटा ट्रांसफर हो चुका है DF3 डेटा फ्रेम के अंदर आपने सिंपली उसे प्रिंट करा दिया फाइन तो यहां पे आप देख सकते हो अब यहाँ पे जो सी एस वी फाइल के नेम्स थे आई नंबर आई नेम ये नहीं आए हैं जो आपने न्यू नेम दिए हैं वही आए हैं आइटम नंबर आइटम नेम आइटम प्राइस क्वांटिटी फाइन और बाकी का जितना भी डेटा था वो एज इट इज यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है सी एस वी फाइल का डेटा फाइन ओके okay, एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं इसका हमने क्या किया पांडास को इंपोर्ट किया न्यू नेम्स एज इट इज़ लिए ठीक है थीके? ये प्रोग्राम एट इट एज इट इज़ लिया जो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था बस हमने क्या कर दिया यहाँ पे स्किप रोज इक्वल्स टू थ्री कर दिया न्यू नेम्स ओके तो यहाँ पे देखो कितनी रोज को स्किप कर देगा वन टू एंड थ्री कहाँ से डेटा को रीड करेगा यहाँ से डेटा को रीड करेगा ट्वेल्व रबड़ फाइव फोर दीज थ्री थी लाइन्स ठीक है इन थ्री लाइन्स को क्या करेगा रीड करेगा ये फंक्शन रीड अंडर सी एस फंक्शन फाइन ओके okay, तो आप यू कैन सी इन द आउटपुट यहाँ पे देखो आइटम नंबर जो आपने न्यू नेम्स दिए थे वो आ यहाँ पर आ चुके हैं आइटम नंबर आइटम नेम आइटम प्राइस क्वांटिटी और डेटा को कहाँ से उसने रीड किया है ट्वेल्व से ट्वेल्व रबर रबर फाइव फोर्टी देन स्केल टेन थर्टी लाइक दिस फाइन समझ आया सेम प्रोग्राम किया है हमने बट स्किप रोज क्या कर दिया थ्री तो उसने क्या रीड अंडर्स को सी फंक्शन ने क्या किया सी uh, एस फाइल की फर्स्ट थ्री रोज को इग्नोर कर दिया स्किप कर दिया स्कीप तो रोज क्या बताता है की कि आपको कितनी रोज को स्किप करना है सी एस बी फाइल से जब आप उस डेटा को रीड करे हो सी एस बी फाइल के से ओके ओके वी हैव केस फोर राइट रीडिंग सीएसवी फाइल विद स्पेसिफिक कॉलम्स हम सी एस वी फाइल को रीड करेंगे स्पेसिफिक कॉलम के साथ मतलब सारे कॉलम्स को रीड नहीं करेंगे कुछ कॉलम्स के साथ हम इसको रीड करेंगे ओके इम्पोर्ट पांडास एस पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करोगे ओके देन पांडास लाइब्रेरी के रीड अंडर्स को सी एस वी फंक्शन का आप यूज करोगे इसके अंदर जो भी फाइल से आप डेटा रीड कर रहे हो उसको आपने क्या कर दिया उसका पाथ दे दिया आइटम डॉट सी एस वी राइट अब आपने यहाँ पे पैरामीटर दिया यूज कॉल्स Use calls के अंदर आपने वो वो कॉलम्स दिए हैं जो आप यहाँ से रीड करना चाहते हो ओनली दो सी एसवी क्या करेगा आइटम डॉट सी एसवी से डेटा को रीड करेगा और डी एफ फोर में ट्रांसफर कर देगा अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आप देखोगे uh, जो रीड अंडरस को सीएसवी फंक्शन है उसने सिर्फ दो ही कॉलम्स को रीड किया है आई नेम को एंड प्राइज को फाइन तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो स्पेसिफिक कॉलम्स को ही रीड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, तो आप क्या करोगे यूज कोस पैरामीटर का यूज करोगे ओके नाव वी हैव केस फाइव रीडिंग सी एस वी फाइल विद स्पेसिफिक रोज अभी आपने देखा था स्पेसिफिक कॉलम्स के साथ आप कैसे रीड कर सकते हो अब यहाँ पे स्पेसिफिक रोज के साथ आप कैसे रीड कर सकते हो राइट right? तो आपने यहाँ पे क्या किया पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया ओके okay. इस पांडास लाइब्रेरी के रीड अंडर्स को सी एस वी फंक्शन में आप पास करोगे सी एस वी फाइल जिससे आप डेटा रीड करना चाहते हो और यहाँ पर आपने एक पैरामीटर पास किया एन रोज इक्वल्स टू थ्री राइट कितने रोज आप रीड कराना चाहते हो थ्री ओके okay, कॉलम्स में आपने क्या किया था कॉलम्स के नेम दिए थे ठीक है यूज़ कॉल्स करके आप पैरामीटर आपने पास किया था और यूज कॉल्स के अंदर आपने कॉलम्स के नेम दिए थे यहाँ पे हमने क्या किया है एन रोज पैरामीटर को पास किया है आर्ग्यूमेंट को पास किया है और उसमें स्पेसिफाई किया कि तीन रोज को रीड करना है राइट थ्री रोज रीड हो जाएंगे कहाँ पर जाके सेव हो जाएंगे डी एफ फाइव के अंदर फाइन तो अब आपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया तो यू कैन सी जो फर्स्ट जो होती है uh, सी एस वी की रो वो क्या बन जाती है कॉलम्स के नेम बन जाती है ये हमारे कॉलम्स के नेम बन गए फाइन ओके और यहाँ पे देखो थ्री रोज उसने रीड कर लिए टेन इलेवन टवेल्व तो थ्री रोज यहाँ से रीड कर लिए टेन इलेवन ट्वेल्व फ़ाइन तो सिंपली आपने थ्री रोज़ यहाँ से रीड करा दी ओके okay. तो ये क्या हुआ स्पेसिफिक रोज इस तरीके से आप रीड करा सकते हो रीड करा सकते हो मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो सी एस वी फाइल से डेटा फ्रेम के अंदर